अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है अलीश। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं तरवेदे जे के भाई शॉर्ट्स वीडियो, तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। देखिए, आर्म फोर्सेस का जब मूवमेंट होता है तो वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ कंसर्न ऑफिसर के अलावा किसी को पता नहीं होता, गवर्नर को पता कैसे लगा। पॉइंट नंबर टू, जब उन्हें किसी भी प्रकार के जहाज की आवश्यकता होगी तो सीआरपीएफ, डीजी सीआरपीएफ, होम सेक्रेटरी से मांगेगा या गवर्नर से मांगेगा। पॉइंट नंबर तीन, अगर गवर्नर साहब कह रहे हैं कि मैं उनको जहाज देता, भारत के किसी गवर्नर के पास एक भी जहाज नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। पॉइंट नंबर चार, जो जहाज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो 8-10 सीटर होते हैं। जवानों को ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास होते हैं। पॉइंट नंबर पांच, एयरफोर्स पे तो कोई हैसियत नहीं होती गवर्नर की, अगर उनका जहाज उतरना है एयरफोर्स के स्टेशन पे, वो परमिशन लेनी पड़ती है। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए। और एक और बात कहूं, तुम्हारा भाई यदि गलत है, इसके बावजूद आप अपने भाई के पक्ष में खड़े हैं कि राम की नहीं रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण को पता था मेरा भाई रावण गलत है, फिर भी उसके साथ खड़े। कुंभकर्ण कह रहा है कोर्ट में कि किसी तरह से मुझे रहने दीजिए, यहाँ पे मुझे यूपी नहीं जाना है। अब ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, मंत्री कहे कि गाड़ी पलट सकती है, विकास दुबे और उसकी उसको शादी करके आप सबको डरा रहे हैं। अच्छा सवाल किया, यानी मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब उद्योग लगाने की बात आती थी तब उद्योगपति कहता था, बिजनेस करने का, मुझे यूपी नहीं जाना है। आज भाजपा कह रहा मुझे यूपी नहीं जाना, उसके बाद इतना बड़ा बदलाव दिखाई नहीं पड़ा। वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूपी पड़ती है। योगी जी का कमाल, ये कोई एक्सीडेंट किसी का नहीं हो सकता। क्या मतलब जनता ने कहा ना, देश के गद्दारों से हमदर्दी किस पर, देश का गद्दार ये बताइए, देश के गद्दारों से हमदर्दी किसको है। जिसको इशरत में बेटी नजर आती है, आफिर में साहब नजर आता है, उसामा में जी नजर आता है, जाकिर में शांति का मसीहा नजर आता है, कुरान वाणी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत की सेना के अध्यक्ष में साक्षात गुंडा नजर आता है, उनको परेशानी है। हमारे पास भी कुछ विजन दिख रही है, हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाएगा, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह में बुरी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, होता झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया, कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया, इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया। अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ, सब ने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन सबको पता है ना, शाहजहां, शाहजहां का बाप कौन, जहांगीर, पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन, बता दीजिए। दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी, अरे मैं ये पूछ रहा था, देखो औरंगजेब के बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है, यही तो प्रॉब्लम में नहीं पाया गया। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को, 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका, जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है, इसलिए उन्होंने माना। और देखिए, जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना।
या अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना, इसका मतलब जाना, वो संस्कृत के गो से निकला है। यही गो शब्द का अर्थ है जाना, गो तम का यही अर्थ है तम के परे जाना। दसियों बार आया है रामचरितमानस में, गो गोचर लग जा मन जाई तो जानो माया फरमाई, मगर हमारे दिमाग भरा है कि गो अंग्रेजी का शब्द है। यही नहीं, computer language is derived from Sanskrit because every word has specific meaning and it cannot resemble other word or meaning. People accept or not, Sanskrit is the father of all languages. Yeah. Yeah. Wow. Wow. जब हम समुद्र में सुरक्षा की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह है एम्बलम, उन पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से लिया गया है। तो दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना में लिखा है जल शेव जया, यानी जल में भी मेरी जय। ये देश भी कल्चरल, हाँ ये दुनिया में इकलौता देश अगर आपसे पूछे कोई जिसमें इस धरती में पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। No doubt. पूछे कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश पर तो सिर्फ भारत है। कोई एक देश का अगर इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। हाँ? ये तो उतार दी। बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लड़कियों के मन में डर, महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा वादा था उसमें कहाँ है। महिला सुरक्षा को लेकर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होनी है प्लस जो लीगल चेंजेस आए वो तो सरकार ने किया, पर इसके साथ एक मानसिकता बदलने की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि आपकी बेटी देर से आती है तो आप पूछते हैं कि बेटी कहाँ थी, देर से क्यों आई, जिस दिन बेटों से पूछना शुरू कर दोगे कि क्यों देर से आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उस दिन मानसिकता में बदलाव आए। हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश को यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं, आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? रुक तेरे को बता दे। भारत के इतिहास में सिर्फ दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से वर्षों पहले जनता ने कहा ये होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहाँ राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं, जनता में पूछिए 1% आधा परसेंट 2% 4% तांडव स्त्रोत। अब कभी आप उसमें ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटा डली गले गल प्रवाह पारे कस्मले गले बलम बलम पिता भुजंग तुंग मारे का और आगे डमट 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 निनाद और डमर वे चकार चंद तांडव हम राशि भाषा। अब मैं चुनौती में कहता हूँ कोई डमट 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 निनाद वट डमर वयम आप मेहुल भाई करते रहे ललित मोदी ऐसा चोर जो देश का भगोड़ा है वो विदेश से धमकी दे रहा है सांसद को, एक पब्लिक लाइफ के फिगर को, ये आपके चोरों का हौसला बढ़ा है, क्या बात करते हैं मेहुल भाई? देख कैसे ललित मोदी नीरव मोदी जवाब का इंतजार करें। शांति से यहाँ पे बोलने दे, ये जितने लोगों की बात बता रहे हैं मैं एक पर एक सिंपल बात कहता हूँ सबको समझना। कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता है तो 2 साल का लेगा, 4 साल का लेगा, मिनिमम 10 साल। आप अगर हाउसिंग लोन लेते 10, 15, 20 साल किस जमाने में लोन लिया गया होगा? अच्छी तरह ये 16 मई 2014 से पहले एक कागज दिखा दे उनके खिलाफ, केसेस हमने शुरू किए, ईडी की कार्रवाई हमने शुरू की, विदेश में जाकर हम लड़े और जो विदेश में गए हुए लोग हैं 22,000 करोड़ रुपए की उनकी भारत की संपत्तियां हमने जब्त की है। मैं इनसे चुनौती भी कहता हूँ एक केस में हम जो भी पढ़ के आए हैं आज तक एनसीईआरटी में उसमें पढ़ के आए हैं, सबने हमें ये देखा, हमने गूगल पढ़ा, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, लेकिन हमने कभी असली इतिहास नहीं पढ़ा। कहाँ है सुभाष चंद्र बोस? हमें सिर्फ गांधी नेहरू यही पढ़ा है।
प्राथमिक कक्षा से लेकर के और एमए तक की पढ़ाई है, उनके बारे में भी वैसे ही पढ़ा है जैसे बाकी कौन से क्लास से कौन सा चैप्टर तो बराबर पढ़ाया गया बराबर भाई सर तो सीधा पूछते हैं पढ़ाया गया एग्जैक्ट एग्जैक्ट बात कीजिए सर से हवा भाई बात नहीं स्कूल में हां स्कूल में कौन सा क्लास कौन सा चैप्टर जब हायर सेकेंडरी में था पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा आज इस बच्चे के सवाल ये सर बहुत कुछ छुपा वो ये कह रहा है कि हमने इतिहास के मैं कुछ नहीं अच्छा सवाल कुछ नेताओं को जब औरंगजेब की बात आती है चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो अपने साथ क्या किया जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा भाई जेल में मैं अकेला रहता हूँ कुछ बच्चों को भेज दो उनको कुरान ही पढ़ा दो तो जानते हो क्या लिख के भेजा बादशाह चली गई भी बादशाही करने का वो नहीं लिया जज्बा और तो नहीं भेजे फिर जानते क्या था उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी करता हुआ उसने लिखा अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी दे रहे ये अच्छा था सर हाँ जी भाई तो जैसा हमने देखा भाई एक त्रिवेदी साहब की बात की जाए ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास आप देख लें कि कभी भी उन्होंने उल्टा सीधा जवाब नहीं दिया जो जवाब देना होता है ना एक सीधे तरीके से या जो चीज़ें एक बतानी होती हैं कि ये चीज़ ऐसे है उसका मज़ा है एक नॉलेज से पढ़ी लिखी बात करना ऐसे ही बंदा धक्का लगा दे नहीं नहीं जी नहीं 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 अपने पास से ये चीज़ें तो फिर मज़ा नहीं आता लेकिन त्रिवेदी साहब आकर ना एक बार एंड कर देते हैं यकीन जाए आज इसमें जो शॉर्ट्स थे ना उनके में मज़ा आ गया एक नहीं वो एक शॉर्ट काफ़ी बेस्ट था जो बोल रहा था कि मैंने सब चीज़ें सीखी हुई हैं लेकिन पता नहीं था जो सर ने आगे से सवाल पूछा नहीं उन्होंने मुगलों के बारे में बताया कि आपको इनके पता है बारे में उन्होंने अच्छे सवाल किए लेकिन जो उन्होंने पूछा था ना वहाँ राजा दशरथ का पूछा था जो काफी एक श्री राम जी के पिताजी थे ना उनके बारे में उनके आगे पिताजी उनके बाप का नाम बता दे नहीं आता था उसको लेकिन सही है भाई सार की एक मतलब कि आप देख लें कि कितने डिबेट में होते हैं एक मतलब उनके पास भी नॉलेज होता है लेकिन वो एक बात को एक डावाडोल कर जाते हैं सही नहीं आपको जवाब देते लेकिन सार का आप जो भी एक मतलब के एक चाहते हैं ना कि जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपको एक परफेक्ट जवाब मिलेगा उस पर चाहे जिधर का भी पूछ ले साइंस का पूछ ले रिलीजन का पूछ ले और भी मतलब के एक जो एक मतलब इंटरनल एक मामले वो बहुत अच्छी बात जो एक लड़के ने सवाल किया ना वो जो आगे एक नेता खड़ा हुआ था कि भाई आप हमने जो है ना वो नेहरू के ऊपर गांधी के ऊपर जो है ना वो सारी हिस्ट्री तो हमने किताबों में पढ़ी है लेकिन किधर है सुभाष चंद्र बोस बाकी जो है ना वो सारे उनका नाम तो लेकिन उसके ऊपर जो वो एक तो लाजवाब हुई लेकिन जो त्रिवेदी साहब ने जवाब दिया था ना कि आप ठीक है आप ना पढ़ाए लेकिन यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज है वो खुद ही चीज़ों को जो पिक कर लेती है उनको पता चल जाता है तो ये इसमें कोई डाउट ना लेकिन भाई सुभाष चंद्र बोस एक नाम है आप यकीन करें एक तो उनकी अभी मूवी भी आई है वो भी देखने वाली है और भी सही बात है उसने एक सवाल सही बोला है कि उनके बारे में किताबों में क्यों बढ़ाया जाता क्योंकि वो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े एक वॉरियर थे बिल्कुल बहुत जद्दोजहद की थी उन्होंने हिटलर के साथ भी जाकर मिले थे जर्मनी में लेकिन ये कि भाई अच्छे शॉट थे मजाल का जो है ना वो मतलब जवाब देते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।